इस देश में संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और इस बात को बहुजनों को समझने की ज़रूरत है। इस देश में हर दिन लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, हर दिन। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जो खुद को पिछड़ा का बेटा बताते हैं, ये पिछड़ा का बेटा बेटा कुछ नहीं है, ये रिमोट है आरएसएस वालों का और कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव एक वरिष्ठ नेता है और तेजस्वी यादव से ज़्यादा मैं उनको दोषी मानूंगा जो दलित सांसद बिहार के बैठे हैं, दलित विधायक बिहार के बैठे हैं, जो दलितों के नाम पर वोट मांगते हैं। मेरा सवाल उनसे है, संविधान आप बदल रहे हैं, कानून बदल रहे हैं, तो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए क्यों, अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही क्यों? तो इस देश में दो तरह के लोग हैं, एक जो बाबा साहब को मान के उनके विचारधारों को अपना रहे हैं और एक जो बाबा साहब का सिर्फ नाम ले रहे हैं लेकिन उनके विचारों पे धरातल पे नहीं दिख रहा है। तो लॉलीपॉप आप दिए हैं तो आप सबको दीजिए ना, सारे समाज को दीजिए, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? रणवीर सेना जो था, रणवीर सेना ने लाखों हजारों दलितों का जनसंहार हुआ, उसमें अमीर दास आयोग का गठन हुआ और नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो अमीर दास आयोग को भंग कर दिया गया। आखिर क्यों? पार्लियामेंट में जितने भी है ना, सारे दलाल बैठे हैं, समाज को वोट को बेचने वाले दलाल बैठे हैं। खुद को दलित का बेटा बोलते हैं, आप दलाल बोल रहे हैं। दलित का बेटा बोलने से कोई दलित का बेटा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम में बैठे हैं वो सारे स्वर्ण लोग हैं, सीधी सी बात है। और वो सत्ता पे काबिज है, हमें सत्ता हमेशा बदलता है लेकिन व्यवस्था का भी परिवर्तन नहीं होता है। भारत देश में आपको कहीं न्याय नहीं मिलेगा, कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आपकी लाठी मजबूत है तो आप सामने वाले पे वार कर सकते हैं, अन्यथा आप कमजोर है तो आप खुद पिटाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एक्टिविस्ट, मैं हूं आपके साथ नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून में संशोधन करके दलित आईएएस की हत्या करने वाले आनंद मोहन को रिहा करने का निर्णय लिया है। इस मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे दलित एक्टिविस्ट हैं समीर राज पासवान जी, क्या कहना चाहते हैं समीर जी? देखिए, सबसे पहले तो दलित आईएएस एक मारा गया और ऊपर से उसके जो आरोपी हैं आनंद मोहन जी, अच्छा, संशोधन करके संविधान का और उन्हें निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, आप निकालिए, हमें उससे परहेज नहीं है। लेकिन उसी तरह से और भी बहुत सारे दलित पिछड़े हैं जो ऐसे फंसे हुए हैं लोग, तो उनको भी निकालिए। जब संविधान आप बदल रहे हैं, कानून बदल रहे हैं, तो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए क्यों, अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही क्यों? हर किसी को हक न्याय। राजनीतिक फायदा क्या होगा? राजनीतिक फायदा क्या होगा कि उनका वोट उनको साधना चाहते हैं, जो एक समाज है जो कि उनका वोट उनसे सधाएगा भी नहीं, वो अपना केवल सीट जीतने का काम करेंगे। तो ये एक बस लॉलीपॉप है, तो लॉलीपॉप आप दिए हैं तो आप सबको दीजिए ना, सारे समाज को दीजिए, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? आपका एक कौन मेहता है जो काफ़ी दिनों से जेल में, उनको भी निकालिए, उनको किस लिए भाई? क्योंकि वो दलित है, पिछड़ा है, ऐसा नहीं होना है। दोहरे नीति नहीं चलेगी यहाँ पे, आपका दोहरी नीति से काम नहीं चलने वाला है। कौन दोहरा नीति कर रहा है? सरकार जिसकी प्रदेश में है भाई, मुख्य जो बिहार तो बात करते हैं, दलित पिछड़ों की सरकार की बात करते हैं बिहार में। अगर दलित पिछड़ों की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो देखिए, मैं तो इस देश में दो तरह के लोग हैं, एक जो बाबा साहब को मान के उनके विचारधारों को अपना रहे हैं और एक जो बाबा साहब का सिर्फ नाम ले रहे हैं लेकिन उनके विचारों पे धरातल पे नहीं दिख रहा है। बिहार सरकार कौन से किस प्रकार से काम कर रही है? बिहार सरकार किस प्रकार से काम कर रही है वो जनता से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि एक दलित आईएएस का मर्डर हुआ, उसके मतलब आरोपी को आप जब छोड़ रहे हैं तो हमें उससे आपत्ति भी नहीं है, आप छोड़िए ना, लेकिन जो और है, लोग हैं, उनको छोड़िए ना। आप क्या, लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी अतीक जी बोल दिए, तो ये तो अतीक जी बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या सूरज भान दादा कह देते हैं, बाबू साहेब आनंद मोहन कह देते हैं, और आपका मतलब जो ये आप बाहुबलियों का नाम जो लेते हैं इतने इज्जत और सत्कार के साथ, तो क्या कौन सा भाई बड़ा अच्छा काम कर लिया जाता है इतना सत्कार के साथ उन लोगों का नाम? अब भाई ये तो जवाब उनके ही लोग बताएंगे कि क्यों इतने इज्जत और सम्मान देते हैं अपराधियों को। अब हमारे यहाँ तो अपराधियों को नहीं, देखिए अतीक अहमद जो था वो पूर्व सांसद भी थे, एक संवैधानिक पद पे रह चुके व्यक्ति थे, अगर उसके लिए न्याय फैसला कोर्ट सब कुछ है भाई। इस देश में संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और इस बात को बहुजनों को समझने की ज़रूरत है। इस देश में हर दिन लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, हर दिन, तो ये बहुत चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आपको याद दिला दूँ कि बिहार में रणवीर सेना जो था, रणवीर सेना ने लाखों हजारों दलितों का जनसंहार हुआ, उसमें अमीर दास आयोग का गठन हुआ और नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो अमीर दास आयोग को भंग कर दिया गया। आखिर क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं अपने चीज़ों को उन्होंने जो वर्तमान परिस्थिति थी उसे बदलने के लिए ख़त्म करना भी ज़रूरी था। अब बताइए कि जिस तरह से लोग कह देते हैं अल्लाह अकबर आतंकवाद का क्या है नारा है, तो आप जय श्री राम का भी तो नारा आतंकवाद का है। अभी मर्डर हुआ तीक अहमद का,
तो जो गोली मारा वो जय श्री राम का, तो ये भी नारा आतंकवाद का हुआ। तो ठीक उसी तरह से जो समय उनका चल रहा था उसको ख़त्म करना ज़रूरी था, और आज के समय में जो आतंकवाद फैल रहा है इसको भी ख़त्म करना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और ख़ास करके जब तक जिसकी संख्या इतनी भारी है ना वो नहीं समझेंगे तो नहीं होगा। आज तक देखिए सबसे ज़्यादा इस देश में आबादी OBC की है, लेकिन आज तक OBC का एक प्रधानमंत्री बना, आज तक एक प्रधानमंत्री सिर्फ OBC का इस देश में, जबकि सबसे ज़्यादा आबादी है। वो चाहे तो अकेले सरकार बना सकती है OBC, लेकिन एक ही प्रधानमंत्री बना है HD देवगौड़ा, और उसके बाद आज तक नहीं। ये नरेंद्र मोदी जो खुद को पिछड़ा का बेटा बताते, ये पिछड़ा का बेटा बेटा कुछ नहीं है, ये रिमोट है RSS वालों का और कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको, अगर वो IAS दलित की जगह कुछ और होते तो क्या आनंद मोहन को कानून बदल कर रिहा कर दिया जाता? देखिए वो IAS अगर दलित था, यही तो दुर्भाग्य है इस देश में ना, दलित तो पैदा होना ही दुर्भाग्य है, इस देश में पिछड़ा पैदा होना ही दुर्भाग्य है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम में बैठे हैं वो सारे स्वर्ण लोग हैं, सीधी सी बात है। और वो सत्ता पे काबिज है, हमें सत्ता हमेशा बदलता है लेकिन व्यवस्था कभी परिवर्तन नहीं होता भारत देश में। सत्ता बस आज से 75 सालों से, मतलब आज़ादी के बाद से जब भी बदला रहा तो सिर्फ सत्ता बदला है, व्यवस्था का कभी परिवर्तन नहीं हुआ है। नीतीश कुमार तो बात करते हैं ना जी कि हम बहुजन हैं, बहुजनों की सरकार, लालू यादव अभी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर सत्ता चला रहे हैं बिहार का, और दोनों बात करते हैं कि दलित पिछड़ों की सरकार है बिहार में। लालू प्रसाद यादव हमेशा मंडल का मंडल की लड़ाई लड़ने वाले थे, वो कभी खुद के फायदे के लिए कभी किसी से समझौता नहीं। नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं वो तो जनता देख रही है ना भाई, हम क्यों उसमें बताएं, जनता देख रही है, जनता से छिपा हुआ थोड़ी है। लेकिन लालू यादव जो व्यक्ति है वो व्यक्ति ने विचारधारा है, क्योंकि वो अडिग है अपने फैसले पे, वो भी चाहते तो किसी के साथ हाथ मिला के अपने बेटा को CM बना लेते, लेकिन उनके साथ वो चीज़ नहीं है। नीतीश कुमार से तो हाथ मिला लिया, तो अपने बेटा को CM बनाने के लिए नहीं ना, समाजवाद का है ना, किसी ऐसे लोगों के व्यक्ति के साथ तो नहीं जुड़े जो पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहा है, निजीकरण कर रहा है, जातीय जनगणना नहीं होने दे रहा है, जो बहुजन हित में मुद्दा है उस कार्य को नहीं होने दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो बहुजन हित में कार्य रुका हुआ था उसको पूरा करने के लिए तेजस्वी यादव ने गठबंधन किया, खुद को मंत्रालय और को सत्ता में पाने के लिए नहीं किया है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो तेजस्वी यादव को इस चीज़ का विरोध करना चाहिए था कि नहीं, कि ये कानून नहीं बदलना चाहिए जो अभी बदला है आनंद मोहन की रिहाई के लिए? देखिए तेजस्वी यादव एक वरिष्ठ नेता है, और तेजस्वी यादव से ज़्यादा मैं उनको दोषी मानूंगा जो दलित सांसद बिहार के बैठे हैं, दलित विधायक बिहार के बैठे हैं, जो दलितों के नाम पे वोट मांगते हैं। मेरा सवाल उनसे है कि आप दलितों के नाम पे केवल वोट लेना जानते हैं, लेकिन एक दलित IAS का मर्डर हुआ और उसका जो हत्या किया है वो आज रिहा हो गए, तो भैया ये दर्द तो आपको होना चाहिए। आज भी पक्ष में गया है भाजपा वाला सब दलित नेता, तो बड़का हुआ मचा रहा है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है अपनी। तो ऐसे दलित नेताओं के साथ चुनाव जब आता है दलित के, उस टाइम बोलते हैं कि हम दलित के बेटे हैं, दलित नेता है, क्या करना चाहिए? देखिए हम उन लोगों के लिए सिवाय एक मैसेज देना चाहेंगे कि आपके जो दलित नेता हैं वो सिर्फ आपको चुनाव के वक्त ही दलित बताएंगे, जब वोट लेने की वक्त है। जब तक आप खुद से जागरूक नहीं हो गया तब तक कुछ नहीं होने वाला आपके साथ, आपको कहीं न्याय नहीं मिलेगा, कहीं इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आपकी लाठी मजबूत है तो आप सामने वाले पे वार कर सकते हैं, अन्यथा आप कमज़ोर है तो आप खुद पिटाइएगा, इस बात को आप समझ लीजिए। और इस चीज़ से अगर लड़ने की आपको ताकत देती है तो संविधान देती है, और संविधान को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी आपकी है। कि एक पिछड़ा का बेटा होता आनंद मोहन की जगह या दलित का बेटा होता तो ऐसे कानून में संशोधन हो पाते? बिल्कुल नहीं होता, नहीं होता भाई, नहीं तो होता। नीतीश कुमार फिर बात क्यों करते हैं बहुजनों की या दलितों की? नीतीश कुमार बात बहुजनों दलितों की जरूर करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता दे रहा हूँ सरकार केवल राज्य से नहीं चलता, केंद्र से भी चलता है। केंद्र में किसकी सरकार है भाई? आज 79 गो सचिव है, 79 गो में 85 गो ब्राह्मण है, और 2 गो SC है, और OBC 0/0 है, 1 गो ST है, तो किसका सरकार चलेगा? कौन सत्ता में काबिज है? जुडिशरी किसका है? सिस्टम किसका है? आपका है क्या? आप बस नेता मंत्री विधायक बन के आपको लगता है कि आप अपना समाज का उत्थान कर दीजिएगा? ये क्या ऐसा नहीं होता ना। जब तक आप सत्ता में जो आपके भागीदारी है ना, आपकी हिस्सेदारी के अनुसार वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप अपने हक अधिकार के लिए मतलब भूल जाइए कि हमें मिलेगा। पार्लियामेंट में दलितों के 131 सांसद हुआ करते, क्या कर रहे हैं वो? पार्लियामेंट में जितने भी है ना सारे दलाल बैठे हैं, समाज को वोट को बेचने वाले दलाल बैठे हैं। खुद को दलित का बेटा बोलते हैं, आप दलाल बोल रहे हैं? दलित का बेटा बोलने से कोई दलित का बेटा नहीं होता। दलित का बेटा कभी जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा। जो बाबा साहेब को मानते हैं ना,
वो जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा। हिंदू है, लगा दिया तो क्या हुआ? बाबा साहब हिंदू हैं? बाबा साहब ने क्या कहा था? क्या कहा? कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में जरूर हुआ है, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मेरी मृत्यु जो है ये मेरे हाथ में है और मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। अच्छा। इस बात को समझने की जरूरत है भाई कि बाबा साहब की विचारधारा क्या है, अम्बेडकर के सपनों का भारत क्या है, ये आपको पूरा करना है, ये आपको तय करना है कि उनके विचारधाराओं को कैसे पूरा करना है। आज देखिए देश में जो अम्बेडकर को देखना नहीं चाहते थे, जो सुनना नहीं चाहते थे, आज वो नतमस्तक हो गए हैं, क्योंकि हम जागरूक हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अम्बेडकर जी का ताकत बढ़ गया। अच्छा। हम जागरूक हुए हैं और वो हमारी ताकत बढ़ी है, तो इस चीज को समझ नहीं। ऐसे नहीं है क्या? आपको लगता है कि लोकतंत्र में सही हो रहा है कि किसी दलित आईएएस के हत्यारे को या हत्या करने वाले को कहें तो उनको कानून बदलकर सजा माफ कर दिया या रिहा कर दिया? ऐसा होना चाहिए नहीं? लास्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं नहीं होना चाहिए। ये दलितों का आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल है। बिहार में बहुजनों की सरकार चलती है, बिहार में आए दिन दलितों पर दमन अत्याचार होते आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिहार में बहुजनों की देखिए हत्या और अपराध, इसे रोका जाना एक हद तक कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जिसके जहन में है कि हम आपको गोली मार देंगे तो वो तो मार देगा ना भाई। लेकिन अब इसमें देखना ये है कि क्या मतलब है कि दलित हमेशा से शोषण होते आया है, शोषित वर्ग ही है। क्या अभी आज नया शोषण नहीं हो रहा है उनके साथ? 3000 साल से हो रहा है, आज नया कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? जब तक इसमें व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, जब तक सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन जरूरी है। और ये लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन होगा, एक समय आएगा कि हमारा समाज पूर्ण रूप से तैयार रहेगा। बात तो सभी करते हैं, दलितों की बात करते हैं, बहुजनों की बात करते हैं, धरातल पर काम कर पाते हैं दलितों और बहुजनों के लिए? बिल्कुल नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, कोई भी सरकार आए, कोई भी सरकार आए। चलिए, तो अभी हमारी बातचीत हो रही थी दलित एक्टिविस्ट है समीर पासवान जी से, इन्होंने बताया कि अगर आनंद मोहन की जगह कोई दलित होता तो शायद उनका रिहाई नहीं हो पाती और सरकार को ये कानून, इस तरह के कानून में बदलाव नहीं करना चाहिए। बाकी इनकी बातें से आप कितना सहमत है असहमत है अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर दीजिए। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखें, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।